हाय दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस पूजा रावत ब्लॉग्स में। और आज का ब्लॉग कर रही हूँ मैं, पता नहीं कितना हो गया है टाइम। गुड मॉर्निंग ऐसे ही बोल दिया, 12 बज गए हैं, पर एडजस्ट कर लेना। हाँ, तो अभी टाइम हो गया है 12, और मैंने आप लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दिया है, क्योंकि 12 बजे के बाद तो गुड आफ्टरनून हो जाता है ना। तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी अभी मैंने सारे काम वाम करके बस नहा के, बाल नहीं धोए हैं बाकी, नहा के पूरे काम वाम हो गए हैं फिट। और अब क्या, अब कुछ नहीं, थोड़ा बाल वाल बना लेती हूँ। बाल नहीं बनाया मैंने कल से, तो थोड़े बाल वाल बना लेती हूँ। बाल भी ऐसे सारे निकल गए हैं, 2 बाल तो रह रखे हैं, वो भी मन नहीं करता उनको भी बनाने का, क्योंकि बहुत निकल रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा। ऐसे कंघी करो तो सारे के सारे ऐसे निकल जाते हैं, तो मन नहीं करता है बिल्कुल भी। तो चलो आप बने रहिए ब्लॉग के साथ, मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। और अभी तो फिलहाल कुछ नहीं करना मेरे को, बस बाल बनाने हैं और बस, बाकी तो चलो ठीक है, आप बने रहिए ब्लॉग के साथ। ठीक है, टाइम हो चुका है, 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में 20 मिनट बाकी हैं अभी। और पानी नहीं आया सुबह, तो 4 बजे के बाद पानी आता है। तो मैंने कपड़े धो के डाले हैं, और जो सुबह धोए थे, सुबह सुबह धोए थे जो, वो सूख चुके हैं थोड़े बहुत, तो उनको ऊपर मतलब कमरे में ले जाऊंगी। और ये रात में तो कोहरा लगता है पूरा, अभी से लगने लग गया है, तो ये जो कपड़े हैं ये तब तक इनका पानी ना निखर जाएंगे, मतलब तो सुबह तक ऐसे रहेंगे कि धूप लगेगी तो सूख जाएंगे सुबह में, है ना, शाम तक मतलब सूख ही जाएंगे। तो ये भी सुबह डालने पड़ेंगे फिर से धूप में, जो सुबह धोए थे, और जो अभी धोए हैं वो तो कल पूरे दिन रहेंगे धूप में, तब जाके सूखते हैं कपड़े, नहीं तो नहीं सूखते। तो अभी मैं आई थी छत पे, तो मैंने बोला सुबह से एक ही क्लिप बना रखी है मैंने वीडियो की, तो पूरी बना लेती हूँ, है ना। तो यार फिलहाल तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, सुबह आज सुबह से भी धूप नहीं है, हल्की फुल्की धूप थी, मतलब अच्छी वाली धूप नहीं थी, कड़क वाली जिसमें कि हम छत में आए और नींबू साने, ऐसी वाली धूप नहीं थी। और आज मेरा मन था कि मतलब अच्छी से धूप आएगी ना, तो मैं चटनी पीसूँगी और मट्ठा पीऊँगी, बट आई नहीं धूप, और मट्ठा वाला भी नहीं आया। मैंने कहा चल नहीं आया, तो अगर कल धूप आएगी और मट्ठा मैं आज ही ले लेती तो कल तक खट्टा हो जाता, इसलिए मैंने कहा चल ठीक है। तो अभी मैं हूँ अपने छत पे, मैं आपको ना बैक कैमरे से यहाँ के नज़ारे दिखाती हूँ, छत से जो नज़ारे दिखते हैं, ठीक है। चुका है 7:30, और मैंने यहाँ पे तवा चढ़ा दिया है चूल्हे पे, और यहाँ पे एक रोटी ले ली हुई है, और ये गोलियाँ बनाई हुई है, और यहाँ पे भुर्जी बनाई है, हरी भुर्जी, जो कि दीदी और की भी है और हमारी भी है, मतलब मैं साथ ही में बनाती हूँ दोनों की सब्जी, दीदी और के लिए भी और अपने लिए भी। तो बस अभी रोटी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो हम बेली रखे थे, तो मुझे याद आ गया कि मैंने ब्लॉग नहीं बनाया आज, मतलब कोई भी क्लिप नहीं बनाई शाम की, तो मैंने सोचा क्लिप ही बना लूँ, है ना। तो चलो बन करती हूँ रोटी बनाना स्टार्ट, मिलती हूँ आपको, ठीक है। तो टाइम हो चुका है, 9 बजने वाले हैं, और हमने खाना वाना खा लिया है। खाना वाना खा के ये तो कंबल के अंदर से फ़ोन देखने में बिजी हैं, और मैं अभी दूध पी रही थी, जस्ट दूध का गिलास ऊपर ही रखा हुआ है, गुड़ के साथ दूध मज़ा आता है यार, है ना। तो बस अभी दूध पिया और अब करते हैं सोने की तैयारी। तो चलो इस ब्लॉग को भी करती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखे, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।